बोल्ड एक्शन डीएमआर फेंक दी गई है भाई, बोल्ड एक्शन डेफिनेटली ये प्लेयर चलाता हुआ नजर आएगा। एंड इधर एक अच्छा नॉक, ओ माय गॉड किस तरह से एनोनिमस ने ये हेडशॉट मिस किया। जहां पे ये प्लेयर हमें सिर्फ जब भी गोली चलाता है हेड मारता हुआ नजर आता है, ये प्लेयर फजूल टैप भी नहीं देता अंटिल अनलेस इनकी पोजीशन पहले से रिवील ना हो। तो मेरे ख्याल से इधर वो बिल्कुल विद लाइक मिलीमीटर्स एक हेडशॉट मिस होता हुआ नजर आया एंड ब्लेड ओपी के। और मेरे ख्याल से एनोनिमस इज द ओनली वन जो हर मैच में डीएमआर से बोल्ड एक्शन को प्रेफर करते हैं। और इस प्लेयर की तरफ से बोल्ड एक्शन से नॉक ना देखने को मिले ये हमें कभी नहीं देखने लायक रहा। बट आई होप कि ये अपनी रीत बरकरार रखें। और इधर एक और नॉक हेडशॉट के साथ निकालते हुए नजर आए। एंड देयर यू गो, जिस तरह से अभी बोलता ही हूं FS ब्लेड ओपी को हेडशॉट पड़ता हुआ स्टार एनोनिमस का। एंड ये डेफिनेटली ब्लेड की गलती रहेगी, जहां पर उनको आइडिया था कि राइट हैंड के ऊपर एनोनिमस ऑलरेडी बोल्ड एक्शन लिए हुए बैठे हैं, उनको ये गलती नहीं करनी थी, उनको ये एलिमिनेट नहीं होना था, उनको उधर से कवर लेना चाहिए था। जो बात है अभी मैं बात करूं ब्लेड की, तो ब्लेड को ऑलरेडी पता था कि मेरे को सामने की साइड से एक शॉट आ चुका है बोल्ड का, लेकिन उसके बाद भी ब्लेड की तरफ से यहां पे ओपन में गया और मेरा ख्याल वो उस कार पे फायर करती जो कि बैकहेंड से इनकी एक टीम रोटेशन कर रही थी, लेकिन उसके साथ ही हमें एनोनिमस का एक बहुत ही ओपी हेडशॉट देखने को मिला। और बात है अभी मैं बात करूं ब्लेड की, तो ब्लेड को ऑलरेडी पता था कि मेरे को सामने की साइड से एक शॉट आ चुका है बोल्ड का, लेकिन उसके बाद भी ब्लेड की तरफ से यहां पे ओपन में गया और मेरा ख्याल वो उस कार पे फायर करती जो कि बैकहेंड से इनकी एक टीम रोटेशन कर रही थी, लेकिन उसके साथ ही हमें एनोनिमस का एक बहुत ही ओपी हेडशॉट देखने को मिला। और वहां पे मेरा ख्याल ब्लेड की कंफर्मेशन भी हो चुकी है, लेकिन सेकंड हम लोग यहां पे बात करें ओके देन एफएस रिस्पेक्ट की बात करें तो एफएस रिस्पेक्ट भी यहां पे नॉक हो चुके हैं, नॉक हुए थे जिनको अब रिवाइव कर दिया गया है। बात करूं तो एफएस के लिए सब अब थ्री मैन रहेगा, लेकिन स्टार की थोड़ी सी मुझे पोजीशन तो लग रही है बिकॉज इनके बैक से अभी फ्लेक्स का क्लैन था, लेकिन मेरा ख्याल वो जा चुका है स्टार की तरफ एनोनिमस की तरफ से। वंस अगेन हेडशॉट लेने की ट्राई अदील को, क्या ये वंस अगेन ओपी कार 98 की हेडशॉट की तरह डाउन कर पाएंगे? मेरे ख्याल से जहां पे एनोनिमस की बात करो तो दो नॉक निकाल दिए गए हैं एनोनिमस की तरफ से, और एफएस अदील को टैप नहीं दे रहे। ये बंदा अपनी बुलेट्स एक एक कदम, कहते हैं ना कोई लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, तो इधर से मेरे ख्याल से एनोनिमस को मैं वो प्लेयर बोलूंगा जो एक एक बुलेट बहुत समझ कर चलाते हैं कि ये नॉक मुझे निकालना है, और कोई भी शॉट उनकी तरफ से वेस्ट नहीं किए जाते। लेकिन इधर शायद उनको थोड़ा सा क्विक शॉट देना था, और मे बी अगर मिस भी होता तो मेरे ख्याल से उनको वो थोड़ा सा रिस्क।